We used to say the horizontal ground and the body dropped from height h. यह body h height से drop की जाती है. अब if it's perfectly इलास्टिक कोलिजन तो वहां पर क्या होगा. यदि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, इफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इस बॉल के और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में भी इलास्टिक कोलिजन होता है तो बॉल गिरेगी, टकराएगी, उतना ही ऊपर उठेगी, फिर टकराएगी, उतना ही ऊपर उठेगी और इनफाइनाइट टाइम तक यह चलता रहेगा. इनफाइनाइट टाइम तक कोई एनर्जी में लॉस नहीं होना है. जिस हाइट से बॉल गिराई वो टकराने के बाद दोबारा रिबाउंड होकर उतनी हाइट तक आएगी, फिर दोबारा गिर के फिर टकरा के दोबारा इनफाइनाइट हाइट तक आएगी, उसी एच हाइट तक आएगी और इस तरह से यह फिनोमेना इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहना है. वहां पर एनर्जी का कोई नुकसान नहीं होना है. हर बार बॉल के टकराने के दौरान कोई आवाज नहीं होना है. बॉल बिल्कुल भी गर्म नहीं होगी, जमीन बिल्कुल भी गर्म नहीं होगी, कोई एनर्जी का नुकसान नहीं होगा. टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी इनफाइनाइट टाइम तक. इफ this ball dropped from height h, if perfectly non-elastic collision, यदि यह perfectly non-elastic collision करती है तो क्या होएगा. ball टकराएगी और टकरा के जमीन के साथ में चिपक जाएगी. इट वुड नॉट रिबाउंड एट ऑल, बिल्कुल भी रिबाउंड नहीं होएगी. इट नेवर रिबाउंड, आते से ही जमीन के साथ चिपक जाएगी. It would lose its complete kinetic energy इस केस में, क्योंकि velocity of separation zero होना. यदि rebound हुई तो separate होने लगी, separate होने लगी तो E की value zero नहीं रह जाएगी. Perfectly non-elastic collision में टकराएगी और टकरा के सीधा जमीन से चिपक जाएगी, बिल्कुल भी rebound नहीं होगी. If partially elastic or partially non-elastic collision, coefficient of restitution zero और one के बीच में, तब क्या होगा. यह ball जो h height से गिराई गई वह गिरने के बाद रिबाउंड होएगी, उतनी हाइट तक नहीं जाएगी, कुछ कम हाइट तक, फिर दूसरी बार रिबाउंड होएगी, फिर तीसरी बार रिबाउंड होएगी, फिर चौथी बार रिबाउंड होएगी और हर बार रिबाउंड होने पर उसकी हाइट कम होती जाएगी. दिस इज प्रैक्टिकल सिचुएशन दैट ऑलवेज हैपेंस. इट्स
प्रैक्टिकल सिचुएशन, यही प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है. दिस इज आइडियल सिचुएशन. वी नेवर ऑब्जर्व सच टाइप ऑफ कोलिजन एनीवेयर अराउंड अस. इसे तो सिर्फ हम थियोरेटिकली पढ़ सकते हैं, मगर इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के कोलिजन को हम कभी भी हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास ऑब्टेन नहीं कर सकते. यह भी एक आइडियल टाइप की सिचुएशन है. इस तरह की सिचुएशन भी ऑब्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है. परफेक्टली नॉन इलास्टिक कोलिजन भी ऑब्टेन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है. प्रैक्टिकली हमारे आसपास जो सिचुएशन होती है वो यही होती है. अब मैं इसी प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं. मेरा अगला सवाल इसी प्रैक्टिकल सिचुएशन पर है. इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई, इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई, पहली बार टकराने के बाद बॉल h1 हाइट तक उठेगी, दूसरी बार टकराने के बाद बॉल h2 हाइट तक उठेगी, तीसरी बार टकराने के बाद बॉल h3 हाइट तक उठेगी, चौथी बार टकराने के बाद h4 हाइट तक उठेगी. क्या आप मुझे बताएंगे व्हाट वुड बी h1, व्हाट वुड बी h2, व्हाट वुड बी h3 एंड सो ऑन, व्हाट वुड बी hn? पहली बार रिबाउंड होने के बाद बॉल h1 हाइट तक उठ रही है. द बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट कैपिटल h. इस बॉल को कैपिटल h हाइट से ड्रॉप करा गया. पहली बार रिबाउंड होने के बाद बॉल कितना हाइट तक उठेगी, दूसरी बार रिबाउंड होने के बाद किस हाइट तक उठेगी. मैं सिचुएशन को दोबारा ड्रॉ कर देता हूं नीटली थोड़ा. इस बॉल को कैपिटल h हाइट से गिराया गया. यह बॉल इस तरह से गिरी, जमीन से टकराई और h हाइट तक रिबाउंड हुई, h1 हाइट तक, फिर दूसरी बार h2 हाइट तक, फिर तीसरी बार h3 हाइट तक, फिर चौथी बार h4 हाइट तक, पांचवी, छठी, सातवीं. दिस इज h1. दिस इज h2. दिस इज h3. हाँ बिल्कुल सही, गुड, वेरी गुड. h2 बता दो आप. This E is greater than 0, less than 1. अब उसको कैपिटल H के टर्म में लिखो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा. राइट ऑल द आंसर्स इन टर्म्स ऑफ कैपिटल H. पहली H1 क्या आ गई, E स्क्वायर H. बिल्कुल सही, H1 वुड बी E स्क्वायर H. H2 क्या आई, E टू द पावर 4H. अब इसी आधार पे मुझको बता दो कि H3 क्या होएगा, E टू द पावर 6H. इसी आधार पे बता दो E टू द पावर 2N इनटू H. गुड, वेरी गुड. मैं आंसर लिख दिया हूं, अब समझाऊंगा कि कैसे आया.
देखिए कैसे आया, मैं समझाता हूं। जब यह बॉल पहली बार जमीन से टकराएगी, पहली बार जमीन से टकराते समय बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, वी नॉट, क्या इस वी नॉट की वेलोसिटी बता सकते हैं? इट वुड बी अंडर रूट 2gh। इसे लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, दोनों कंसेप्ट बता देता हूं। काइनेमेटिक के कंसेप्ट से भी लिख सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन के कंसेप्ट से भी लिख सकते हैं। काइनेमेटिक के कंसेप्ट से मैं कहूंगा यह बॉल कांस्टेंट एक्सीलरेशन जी से नीचे कर रही है, मोशन इन वन डी में पढ़ रखा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, टू एक्सीलरेशन इज जी, डिस्प्लेसमेंट इज एच एंड दिस फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर। यह काइनेमेटिक के कंसेप्ट से लिखने वाली बात हुई। दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन के कंसेप्ट से भी हम इस बात को लिख सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन के कंसेप्ट से कहेंगे कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है और फाइनली जब ये जमीन पर टकरा रही होगी बॉल तो इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, एम से एम कैंसिल। इधर भी वी नॉट आ रहा है अंडर रूट टू जी एच, इधर भी वी नॉट आ रहा है अंडर रूट टू जी एच। टकराते समय बॉल की यह वेलोसिटी होगी अंडर रूट टू जी एच। हम कहते हैं वर्क पावर एनर्जी ऑलवेज प्रोवाइड अस एन अल्टरनेटिव मेथड फॉर सॉल्विंग द सेम सिचुएशन। जो सिचुएशन को हम काइनेमेटिक के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं उसी सिचुएशन को हम वर्क पावर एनर्जी के कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे सिर्फ हमको एक अल्टरनेटिव मेथड मिलता है और उसे हमने इधर अप्लाई करके सीधा सीधा लिख दिया कि वी नॉट वेलोसिटी से बॉल टकराएगी। अब बॉल रिबाउंड वी वन वेलोसिटी से हो रही है, वी वन इज वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड। तो हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट लगा देते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। अब जरा सोचिए, जमीन तो रेस्ट पर है, जमीन यदि रेस्ट पर है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? जिस वेलोसिटी से बॉल रिबाउंड कर रही है वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हुई वी वन। जिस वेलोसिटी से बॉल रिबाउंड कर रही है वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हुई वी वन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हुई? भाई जमीन तो रेस्ट पर है, जिस वेलोसिटी से बॉल आकर टकरा रही है वह वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हुई। सो वी वन इज ई वी नॉट और ई अंडर रूट टू जी एच, दिस इज वी वन। अब वंस अगेन इस वेलोसिटी से बॉल रिबाउंड होएगी, टकरा रही थी वह वी नॉट वेलोसिटी से, रिबाउंड हुई वी वन वेलोसिटी से, वी वन की वैल्यू हमने लिख दी। अब यह बॉल कितना हाइट एच वन हाइट मैक्सिमम ऊपर जाएगी, वंस अगेन इसे सॉल्व करने के लिए दोनों ही कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो काइनेमेटिक का कंसेप्ट और चाहे तो एनर्जी का कंसेप्ट, दोनों में से किसी भी कंसेप्ट से सॉल्व कर लो। अब हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज ई अंडर रूट टू जी एच इट्स स्क्वायर प्लस टू, इस बार जी नेगेटिव क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, हमने सारी क्वांटिटी पॉजिटिव ऊपर की तरफ ले लेंगे, जी जो कि नीचे की तरफ है वह नेगेटिव और मैक्सिमम हाइट h1 जाकर या फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। हम चाहे तो इस तरह से लिख दे, यह हुआ काइनेमेटिक का कंसेप्ट, हम चाहे तो एनर्जी के कंसेप्ट से लिख दे कि फाइनली पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच वन इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह ई
अंडर रूट टू जी एच होल स्क्वायर। हम इन दोनों में से कोई सा भी कंसेप्ट लगा दें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्पेशल कंसेप्ट ही लगाना होगा, इनमें से कोई सा भी एक कंसेप्ट लगा दे, दिस इज काइनेमेटिक कंसेप्ट, दिस इज एनर्जी कंसेप्ट, दोनों से सेम आंसर आएगा। ई स्क्वायर एच, दिस इज द हाइट द बॉल वुड रिबाउंड आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन, पहली बार कॉलिड करने के बाद इस हाइट से रिबाउंड होगी। अब बॉल मैक्सिमम हाइट तक गई, मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद दोबारा वह लौट के आ रही है, दोबारा जब वह लौट के आएगी तो वह बॉल जमीन से किस वेलोसिटी से टकराएगी? द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन सेज दैट जिस वेलोसिटी से बॉल ऊपर गई थी मैक्सिमम हाइट के तक जाने के बाद लौट के बॉल इसी वेलोसिटी से टकराएगी। लौट के आते समय वेलोसिटी v1 ही रहेगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v1 ही रहेगा, जो कि है e अंडर रूट टू जी एच, एंड लेट अस से v2 इज वेलोसिटी ऑफ रीबाउंड फॉर सेकेंड टाइम। वंस अगेन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट लगाऊंगा, E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन इज V2, V2 वेलोसिटी से सेपरेट होगी, अब वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? V1, E अंडर रूट 2gh, सो V2 इज E स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2gh। वंस अगेन कंसेप्ट लगा दीजिए, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज जीरो, ई स्क्वायर अंडर रूट टू जी एच होल स्क्वायर माइनस टू जी एच टू, दिस वुड बी एच टू, दिस वुड बी ई टू द पावर फोर एच। दिस पहली बार कोलेशन करते समय ई स्क्वायर एच, दूसरी बार कोलेशन करने के बाद ई टू पावर फोर एच, तीसरी बार कोलेशन करने के बाद अब हम कॉमन सेंस से लिख देंगे ई टू पावर सिक्स एच, एनथ टाइम कॉलेक्ट करने के बाद ई टू पावर टू एन इंटू एच। दिस वुड बी द हाइट, इस तरह से यह हाइट कम होती जाएगी और अल्टीमेटली वह बॉल जमीन पर चुप